बीएससी इलेक्ट्रिकल एंड फायर टेक चैनल, और आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलीकॉप्टर के ऊपर, जो कि मैं कबाड़ी से लेकर आया हूँ। ये हेलीकॉप्टर को आप देख रहे हैं, इस हेलीकॉप्टर को मैं कबाड़ी से मात्र 10 रुपये के अंदर लेकर आया हूँ, और इस हेलीकॉप्टर को जो है हम करेंगे रिपेयर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा आप ये हेलीकॉप्टर देख रहे हो, इसके अंदर जो है ये इसके दो पंख लगे हुए हैं ऊपर और नीचे की साइड में, ठीक है, जो कि अभी सही कंडीशन में है, टूटे हुए नहीं है बिल्कुल भी, आप देख रहे हो। और ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, इसके अंदर यहाँ पे जो मोटर लगी हुई है वो अभी तक एक ही है, दूसरी मोटर लगा नहीं हुआ है। और इसके अंदर जो आप ये पीसीबी प्लेट देख रहे हो, ये पीसीबी प्लेट भी पूरा ख़राब हो चुका है, ठीक है। और इसके अंदर आप देख रहे हो एक ये 3.7 वोल्ट की जो बैटरी है, ये बैटरी लगी हुई है जो कि पूरे तरीके से ख़राब है, क्योंकि ये बैटरी जो है फुली हुई है, ठीक है। तो इस बैटरी को हमने फिर भी चार्ज करने की कोशिश की थी, जो कि थोड़ी कुछ चार्ज हुई है, ठीक है, जिससे कि हम जो है इस हेलीकॉप्टर को जो है चलाकर देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो रिमोट है वो तो हमें मिला नहीं अभी तक, और इसके जो मोटर्स हैं उसके जो है वायर हमने डायरेक्टली बाईपास किए थे, जिससे कि ये जो मोटर है, जो ये हेलीकॉप्टर है, ये एक बार जो है चल सके। तो हम इसको चला कर देखेंगे कि ये किस तरह से चलता है या नहीं चलता। अगर नहीं चलता है तो इसको अंदर हमने जो है क्या क्या चेंजेस करने हैं, जिसकी वजह से जो ये हेलीकॉप्टर है ये चल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बैटरी को हमने कुछ चार्ज किया था, हम इसको लगा कर अभी ट्रायल करते हैं, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हो, इस बैटरी को हमने जो है इसके अंदर जहाँ पे इसका गैप है यहाँ पे फंसा देना है, इस तरह से फंसाने के बाद में इसके अंदर आप देख रहे हो ये यहाँ पे ये पोर्ट दे रखा है बैटरी के कनेक्शन के लिए, और ये वायर है, ठीक है। तो हमने जो है इसको इसके साथ में अटैच कर देना है। तो जैसे ही हम जो है बैटरी को इसके साथ में अटैच करते हैं, इसके ऊपर की साइड के जो फैन है वो रनिंग कंडीशन में है, और नीचे वाले जो फैन हैं वो हवा की वजह से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से जो है नहीं काम करेगा, क्योंकि सिंगल साइड जो फैन होते हैं उसकी वजह से ये ऊपर नहीं उड़ पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी सभी इसकी जो है मोटर वगैरह सब अच्छी तरह से काम कर रही है, सब पीसीबी जो है ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पीसीबी की जो भी वायर्स वगैरह है वो हमने जो है अलग कर दी थी पहले से ही, ठीक है। और ये इसके अंदर जो है पीछे मोटर लगा हुआ है जिसका कि फैन टूटा हुआ है, हमने इसको जो है दोबारा से लगाना है इसके फैन को, ठीक है। तो जैसा हमने जो देखा है इस हेलीकॉप्टर को चलते हुए, अब हमने जो है इसको पूरी तरह से जो है डिसमेंटल करके, और इसके अंदर जो है हमने जो लड़ी के अंदर एक पीसीबी लगता है जो कि लड़ी को फ्लक्चुएशन करवाता है अलग अलग से, आपने भी कभी देखा होगा, जो कि आईआर सेंसर से जो पूरी तरह से कंट्रोल होता है, ये मॉड्यूल लगा होता है लड़ी के अंदर, आप देख रहे हैं इसके अंदर जो ये आईआर सेंसर लगा हुआ है ये वाला, इस सेंसर को जो है हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन सी पीसीबी प्लेट लगी होती है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो छोटा सा एक दो पीसीबी लगा होता है इस तरह का, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये जो तीन वायर है ये तीन दिखी है, और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इसका इनपुट सप्लाई होगा 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है ये, जो कि हमारी बैटरी भी जो है 3.7 वोल्ट की है, तो हम इसको जो है अपग्रेड करके 5 या 6 वोल्ट में जो है इसे ठीक करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो आप देख रहे हो ये जो 3 पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो है इसको अलग अलग तीनों मोटरों को जो है अलग अलग टाइप में अलग अलग काम करेगा, और जिससे कि हमारा हेलीकॉप्टर जो है पूरा ऑपरेट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को देखना चाहते हैं और हेलीकॉप्टर को अपग्रेड देखना चाहते हैं, तो वेट कीजिए मेरी सेकेंड वीडियो के लिए, जो कि मैं जल्दी ही आपको देने वाला हूँ। थैंक यू।